ऐसा नहीं है, सब बहुत प्यार करते हैं दूसरे से, बहुत ही ज्यादा प्यार है। कॉम्पिटिशन हर जगह होता है, नए नए कलाकार नए नए सिंगर हमेशा आते हैं, हिंदी में भी होता है, तो इसको कचरा वर्ड नहीं बोल सकते हैं। हेल्दी कॉम्पिटिशन हर जगह है, कभी कभी मन मुटाव होता है, एक ही परिवार में है तो चीजें, और आजकल फैंस लोग ज्यादा लड़ा देते हैं भाई, एक्टर नहीं लड़ता है फैंस, तो उनके लिए कुछ शुभकामनाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, अफकोर्स शुभकामनाएं है, खुशी की बात है, और मैं बस ये चाहूंगी कि बहुत अच्छा करके आए, हमारी भोजपुरी को एक और ऊंचे स्थान पे ले जाए अक्षरा, बस इतना ही कहना चाहूंगी। रानी जी, आप बोलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से काम करी लगभग, ऐसे में आपने कई एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगा आप काम करने में, किसके साथ? मेरे सभी एक्टर बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी रही बट मेरे फेवरेट हमेशा से रहे रवि किशन जी, क्योंकि वो मेरे बहुत सीनियर है और मैं उनसे बहुत ज्यादा सीखती हूँ, और मेरे आज भी वो मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हैं, मोस्ट फेवरेट है रवि किशन। अर्चना के साथ आपके संबंध कुछ ठीक अंदरूनी रूप से नहीं? वो चलता रहता है, वो अभी क्या है कि मेरी आदत है, जब कोई किसी गलत के साथ गलत करता है तो मैं अपना नजरिया, हमेशा अपना ओपिनियन देती हूँ, और जो मुझे सही लगा वो मैंने अपना ओपिनियन दिया। बट अक्षरा के साथ पर्सनल तो नहीं था? नहीं, पर्सनल बिल्कुल नहीं था, अक्षरा के साथ कोई पर्सनल नहीं था, बट अक्षरा के साथ कोई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बट हाँ, अगर कल को फिर कोई गलत स्टेटमेंट देकर मुझे नहीं लगेगा सही, तो मैं अपना ओपिनियन दूंगी, राइट बोलने की आदत सबको है। थैंक यू मैम। आ रहा है और लोग उसके लिए एक्साइटेड होंगे और आगे बढ़ेंगे। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर स्लोगन, खरीदो हक से? खरीदो हक से, ये तो सबका होना चाहिए, खरीदो हक से। जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ सबसे खरीदे। बहुत सारी कोशिशें की हैं और ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे सबसे अच्छी बात है कि उद्योग मंत्री हमारे साथ नवाज हुसैन जी हैं, तो हमें उनसे भी काफी रिक्वेस्ट और उम्मीद भी रहेगी कि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में समझें, और गवर्नमेंट से खासकर बिहार सरकार को भी इम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इश्यूज फेस करने पड़ता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ध्यान दे और थोड़ा सा हमें सहयोग करे हर मॉडल पे। जैसे मैम ने हमारे लिए काफी बिजी शेड्यूल में से अपना एक कीमती टाइम दिया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज सी लव्स बिहार। मैं एक आई थिंक मुझे लगता है मैं एक ऐसी हीरोइन हूँ जो बिहार के छोटे से छोटे हर एक गांव जाकर मैंने सामने से देखा है, लोगों को जाना है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल टीम, उन्होंने मुझे ज्यादा नहीं सुने और उनकी टीआरपी इतनी हाई है, इट मीन्स कि हमारी जो दर्शक है वो भोजपुरी से आज भी उतना ही प्यार करती है, तो आप उन्हीं फिल्मों को लगाकर हॉल में क्यों नहीं बुला सकते? आपको वैसे गानों की जरूरत क्यों है? इस बारे में सोचना चाहिए, और आई थिंक हम सब सोच रहे हैं, बट कुछ लोगों की वजह से ऐसे बैठ के जवाब देना पड़ता है।
देखेंगे तो हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। हाँ ये गलत है, जब तक आप बनाओगे लोग देखेंगे।